मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम हिंदी रीडर में हमारा चैप्टर थर्टीन स्टार्ट करेंगे। पार्ट तेरह यातायात संकेत। यातायात संकेत आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यातायात संकेत। ठीक है, यातायात संकेत क्या कौन से होते हैं? जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, आप बाहर निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, तो चौराहे पर जो क्रॉसिंग होता है ना, जहाँ पर चार रास्ते निकलते हैं, वो चौराया होता है। ठीक है, एक रास्ता सीधा, एक उल्टा, एक राइट एंड एक लेफ्ट, वो चौराया होता है, क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, क्रॉसिंग। तो बेटा उस पर ट्रैफिक लाइट होती है, आप सबने देखी है, सारे बच्चों ने देखी है ट्रैफिक लाइट, तो वो यातायात के संकेत होते हैं, है ना। ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें कितनी लाइट्स होती हैं? तीन लाइट, है ना। ट्रैफिक लाइट में तो सबसे ऊपर हरी, पीली, फिर सॉरी लाल, पीली, हरी, है ना, लाल, पीली, हरी, तीन लाइट्स होती हैं, है ना। तो आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें अंकित होता है जो अपने भैया के साथ बाहर जाता है। ठीक है, बाहर जाता है किससे? स्कूटर से। अंकित अपने भैया के साथ स्कूटर से बाहर जाता है, तो उसके भैया उसको यातायात के संकेतों के बारे में समझा रहे हैं। यातायात के संकेतों के बारे में समझा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक लेकर बैठेंगे और ठीक से पढ़ेंगे। अंकित, क्या तुम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानते हो? जो अंकित के भैया हैं, उसको पीछे स्कूटर पर बैठाकर उससे पूछ रहे हैं, अंकित क्या तुम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानते हो? तो अंकित बोलता है, नहीं राहुल भैया। जो उसके भैया का क्या नाम था? राहुल। उसके भैया का क्या नाम था? राहुल। तो वो कहता है, नहीं राहुल भैया, चौराहे के खंभे पर। तो उसके भैया कहते हैं, चौराहे के खंभे पर लाल, हरी और पीली बत्तियां होती है। चौराहे पर एक खंभा होता है ना, उस पर लाल, हरी और पीली बत्तियां होती हैं। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? ठहरो या रुको। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? ठहरो या रुको। आप सबने देखा है, ये देखो, ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इसमें सबसे ऊपर होती है लाल, हरी, सॉरी लाल, पीली, हरी, है ना। लाल, पीली और हरी, ठीक है, ये ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स आपको चौराहे के खंभे पर लगी हुई दिखाई देती है। आप कभी भी अपने पापा, भैया, अंकल, किसी के साथ भी जाएंगे तो आप ध्यान से देखना, है ना। ठीक है, तो चौराहे पर हम रुकते हैं, है ना। तो इसका है, चौराहे के खंभे पर लाल, हरी, पीली बत्तियां होती है। लाल बत्ती का मतलब होता है ठहरो या रुको। जब लाल बत्ती हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? आपको लाइन होती है, उससे आगे नहीं जाना होता है ना, तो आपको वहीं रुक जाना होता है। ठीक है, और हरी बत्ती का अंकित अपने भैया से पूछ रहा है, और हरी बत्ती का, तो हरी बत्ती का जो उसके भैया थे वो बताते हैं, हरी बत्ती का मतलब होता है रास्ता खाली है। हरी बत्ती का मतलब क्या होता है? रास्ता खाली है, जाओ या चलो। मतलब हरी बत्ती का लाइट हो जाती है, ग्रीन लाइट हो जाती है, उसका मीन क्या होता है? चलो, है ना, या जाओ। तथा पीली बत्ती का मतलब होता है रुकने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती का मतलब क्या होता है?
रुकने के लिए तैयार हो जाओ। इन बत्तियों से क्या लाभ होता है भैया? अंकित अपने भैया से पूछ रहा है, इन बत्तियों से क्या लाभ होता है भैया? तो उसके भैया बता रहे हैं, इन बत्तियों को ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। इन बत्तियों को क्या कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल। इनसे यातायात की व्यवस्था बढ़िया रहती है और कोई दुर्घटना भी नहीं होती है। ठीक है, इनसे क्या है, यातायात की व्यवस्था ठीक रहती है और कोई एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी होता है, दुर्घटनाएं नहीं होती है। तो हमेशा हमें इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना? इनको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें ट्रैफिक सिग्नल को बिल्कुल कंटिन्यूअसली हमें इसे रूटीन में लाना चाहिए। और आपको हेलमेट, है ना, यातायात के जो नियम क्या होते हैं, हेलमेट, हमें हेलमेट लगाकर ही ड्राइविंग करना है। ठीक है, टू व्हीलर की ड्राइविंग हमें हेलमेट लगाकर करना चाहिए और फोर व्हीलर की हमें बेल्ट लगाकर करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो सके। जीवन है तभी सब कुछ, अगर हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने चैप्टर रीड किया यातायात के संकेत। ठीक है, सबसे ऊपर होती है लाल, पीली, हरी। ठीक है, ये तीन ट्रैफिक लाइट होती है। अब आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे, है ना? इसके शब्दार्थ है चौराहा, चौराहा। चौराहा का क्या अर्थ होता है? चार रास्तों का मिलन स्थल, चार रास्तों का मिलन स्थल, मिलन स्थल, जहां चार रास्ते आकर मिलते हैं वो क्या होता है? चौराहा मीन्स की क्रॉसिंग। फिर है यातायात, यातायात का क्या अर्थ होता है? गाड़ियों या वाहनों की आवाजाही, गाड़ियों या वाहनों की आवाजाही, आवाजाही, है ना, मींस की ट्रैफिक व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध या इंतजाम, प्रबंध या इंतजाम। बढ़िया, बढ़िया का क्या अर्थ होता है? अच्छा, बढ़िया का क्या अर्थ होता है? अच्छा। दुर्घटना, दुर्घटना का क्या अर्थ होता है? अनहोनी या बुरी घटना, अनहोनी या बुरी घटना। मतलब, मतलब का अर्थ होता है अर्थ, मीनिंग। ओके, तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए। चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार रास्तों का मिलन स्थल। यातायात, यातायात का अर्थ होता है गाड़ियों या वाहनों की आवाजाही। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध या इंतजाम। बढ़िया, बढ़िया का अर्थ होता है अच्छा। दुर्घटना, अनहोनी या बुरी घटना, कोई एक्सीडेंट होना। मतलब, मतलब का अर्थ।
ठीक है। तो आप ये शब्दार्थ लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। फिर है हमारे मौखिक प्रश्न, अंकित के भैया का नाम बताइए। अंकित के भैया का क्या नाम था? अंकित के भैया का नाम राहुल था। अंकित के भैया का नाम क्या था? राहुल। अंकित के भैया उसको किस वाहन से बाहर ले गए थे? आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आप उसमें ध्यान से देखेंगे, अंकित अपने भैया के साथ किस वाहन पर बैठा है? स्कूटर पर। तो अंकित के भैया उसको स्कूटर से बाहर ले गए थे। फिर है हमारे जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, जो रिटर्न करने हैं हमें, वो है चौराहे के खंभे पर किस किस रंग की बत्तियां होती है। तो चौराहे के खंभे पर लाल, हरी और पीली रंग की बत्तियां होती है। प्रश्न नंबर 1, चौराहे के खंभे पर चौराहे के खंभे पर किस किस रंग की बत्तियां होती है। तो हमने चैप्टर रीड किया था, चौराहे के रंग पर किस किस रंग की बत्तियां होती है? लाल, हरी, पीली। लाल, हरी तथा पीली। लाल, हरी तथा पीली। फिर प्रश्न नंबर 2 है, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? लाल बत्ती का मतलब लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? ठहरो या रुको। तो हमारे प्रश्न 2 हो गए हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। इसके जो आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है केयरफुली, उसके बाद आप इसके शब्दार्थ करेंगे अपनी कॉपी में करेंगे और लर्न करेंगे। और ये दोनों प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और लर्न भी करने हैं, ठीक है। और आप जब भी बाहर जाएंगे, अपने पापा भैया किसी के भी साथ बाहर जाएंगे, तो आप ट्रैफिक लाइट्स को ध्यान से देखेंगे। रेड लाइट, ठहरो या रुको। पीली लाइट, रुकने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। और फिर है ग्रीन लाइट, हरी लाइट का मतलब, हरी बत्ती का मतलब क्या होता है? जाओ, ठीक है, जाओ या चलो। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।